मेरा नाम मैं नहीं बताने वाला, पर हाँ आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। खेलने नहीं वाले हैं, मतलब आज मैं आपको मेरा 2 साल का माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का टूर देने वाला हूँ कि कैसे मेरा 2 साल नहीं, अराउंड 2.5 ईयर्स हो गया। तो हाँ, तो ये है मेरे सारे बीकन्स। ये है नेदरराइट वाला बीकन, देख ही सकते हो, या ऑल इन वन बीकन है, और आयरन बीकन उधर है, एंड ये है गोल्ड बीकन, एंड ये है डायमंड बीकन, एंड या एंड ये है अपना एक्सपी फॉर्म, जॉम्बी एक्सपी फॉर्म। आपको वहाँ जाके दिखा भी देता हूँ मैं। हाँ, ज़्यादा जल्दी टूर दिखाने वाला हूँ, नहीं यार दिखाओ तो दूंगा। एंड अभी तो ज़ॉम्बीज नहीं आए हैं, ये देख ही सकते हो आप, यहाँ पर सारे पड़े हैं एंड आते रहते हैं। ये जॉम्बी एक्सपी फार्म हो गया, एंड ये मैं ट्री हाउस पर काम कर रहा हूँ, जो आप ये सामने देख सकते हो, इस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, एंड उसकी भी एक वीडियो बना ही दूंगा फिर से तोड़ वोड़ के सारे वुड्स। एंड मैं काम कर ही रहा था, एंड ये मेरा अंडरग्राउंड बेस, नहीं कह सकते सीक्रेट बेस तो नहीं है, सीक्रेट बेस तो नहीं है ये, मतलब यू नो अ टाइप ऑफ है, एक थोड़ा सा नीचे जहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर जो है मेरे सारे नेदरराइट के आर्मर्स मिल जाएंगे, मतलब स्पेयर आर्मर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मेरा एन्चेंटमेंट टेबल, एंड यहाँ बेड है जहाँ मैं अभी सोने जा रहा हूँ, एंड आई एम फुली नेदरराइट। एंड आपको थोड़े से चीज़ें दिखाने वाला हूँ, आई डोंट थिंक सो आप उससे शॉक हो गए या नहीं हो गए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। एंड हाँ, मेरे पास अभी एलाइट्रास राइट्रास है, एंड मेरा एक स्पेयर बॉक्स है जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। मैं तो सोच रहा हूँ ये इस वीडियो में ही बना दिया जाए अभी, तो ये और भी इजी हो जाएगा। तो हाँ, तो वो तो बनाने का छोड़ो, तो ये है मेरा शल्कर बॉक्स जिसमें मैंने अपने देख सकते हो एलाइट्रा, और मैंने थोड़े से नाम रख रखे हैं, एंड ये अनब्रेकिंग एंड फोर्थ, ये मेंडिंग है, मैं ये फॉर्चून है, एंड ये एफिशिएंट, मतलब ये मेंडिंग है, ये कहना क्या चाहते हो? सिल्क टच है, सॉरी ये सिल्क टच है, एंड ये फॉर्चून है, एंड ये है अनब्रेकिंग 3 वाली, क्या ही बताऊँ यार, अनब्रेकिंग 3 फायर एस्पेक्ट है, एंड ये है शार्पनेस 5 की। तो मेरे पास बहुत सारे स्पेयर थिंग्स पड़े हुए हैं और मूवमेंट जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एंड मेरे बगल में ही एक पिलेजर आउटपोस्ट है, ठीक है, मेरा एक पिलेजर आउटपोस्ट भी है इस तरफ को कहीं, हाँ इस तरफ को, एंड एक विलेज यूं भी जाता है, एंड एक पिलेजर आउटपोस्ट के ज़रा थोड़ा सा सामने ही मेरा ये जाता है। एंड ये देखो गाइस, ये मेरा स्पाइक ग्लास रहना चाहिए मेरे पास, तो स्पाइक ग्लास से आपको दिखा दूंगा मैं। हाँ तो चलो देखो, ये है एंड स्पाई ग्लास सी, एंड ये देखो, ये है एंशियंट डेब्रिस, ये है डीप स्लेट डायमंड के ब्लॉक्स, ये है गोल्ड डीप स्लेट, आयरन डीप स्लेट, लैपिस डीप स्लेट, एंड रेडस्टोन डीप स्लेट, एंड एमराल्ड डीप स्लेट, ये सारे हैं मेरे पास अभी। मतलब भाई वेलकम लिखा हुआ है मैंने, आप देख ही सकते हो, तो हाँ मतलब अच्छा दिखता है यार मेरे को एक टाइप से, पर हाँ मैंने इसको एक मतलब इसके टाइप बनाने का सोच रहा था, पर ये बना नहीं, मतलब इंडियन फ्लैग के टाइप।